नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं vdq.com और इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं गोधन अर्क को लेके कुछ एक्सपेरिमेंट के बारे में। आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे YouTube पर, जहाँ पे बहुत सारे लोग इसके अनबॉक्सिंग किए हैं, कुछ ट्रिक्स दिखाए हैं कि किस तरह से आपका ये गोधन अर्क आपको बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, लेकिन उसके पीछे राज क्या है, इस वीडियो में हम उसी को उजागर करने वाले हैं। तो चलिए, मेरे पास ये है दिव्य गोधन अर्क, तो आप कोई भी अर्क यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक क्लस है जिसमें पानी ले लिया है, आप देख सकते हैं क्लीन वाटर है, और मैं इसमें बिटाडीन सॉल्यूशन को डाल रहा हूँ। आप देख सकते हैं, इसको स्टेयर कर देता हूँ थोड़ा, तो आप देख सकते हैं इसका कलर पूरा चेंज हो गया है। ठीक है, बिटाडीन सॉल्यूशन जो कि एक एंटी माइक्रोबियल एक सॉल्यूशन होता है, ये एसिडिक इन नेचर होता है, तो कोई भी ऑपरेशन हो, कोई भी वुंड हो, उसको सफाई करने के लिए या फिर उसका लोशन से आप इसको ड्रेसिंग भी कर सकते हैं। तो ये वाइडली पॉपुलर है, ये गर्गल करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो बहुत ही एक पॉपुलर एक केमिकल है ये बिटाडीन सॉल्यूशन, पॉपुलर सॉल्यूशन। तो अब मैं इसमें गोधन अर्क को डालने वाला हूँ, आप गौर से देखिएगा क्या होता है इसमें। आप देख सकते हैं ये कलर चेंज हो रहा है, ऑलमोस्ट चेंज हो रहा है, देख सकते हैं। अब ऑलमोस्ट क्लीन हो गया है, जैसा था पहले वैसे ही हो गया है। तो अब जो बात है, क्या ऐसे वीडियो देखे जब कोई पोस्ट करता है और बोलता है कि देखिए ये है दिव्य गोधन अर्क, ये डिटॉक्सिफाइंग है इसीलिए ऐसा कर दिया। हालांकि जो बिटाडीन सॉल्यूशन है वो खुद भी एक एंटी माइक्रोबियल है, यानी आपके अगर कोई जगह पे कट जाता है या फिर कोई इन्फेक्शन होता है तो उसको मारने के लिए, ख़त्म करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं पॉवरिन आयोडीन सॉल्यूशन को। लेकिन ये जो चेंज इसमें हुआ है, इसका जो मूल कारण है वो कुछ साइंटिफिक कारण है। जैसे ये जो है ये एक एसिडिक इन नेचर है, और ये जो है ये अल्कलाइन इन नेचर है, यानी ये खार पदार्थ है और ये एक एसिड तत्व है। तो जब कलर, जब मैंने पानी में इसको डाला था तब जो कलर आ गया था, वो कलर आने की वजह से वो पानी भी एसिडिक हो गया था। तो बाद में जब मैंने इसमें गोधन अर्क डाला तो एसिड और खार में एक रिएक्शन हो गया, और रिएक्शन की वजह से वहाँ पे लवण और पानी, नमक और पानी की फॉर्मेशन हुई, जिसके कारण उसका जो पहले वाला कलर था वो गायब हो गया। तो ये कोई ट्रिक नहीं है, ये कुछ एक साइंटिफिक रीजन इसमें है। अगर कोई आप व्यूअर में कोई भी केमिस्ट्री से कोई है तो शायद आपको पता होगा ये चीज़ कैसे हुआ है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, धोखा मत खाइए, बहुत लोग ऐसे वीडियो बनाते हैं कि ये डिटॉक्सिफाइंग के लिए दिखाए, इसको एक डेमो दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये एक साइंटिफिक एक रिएक्शन है जिसके कारण ये ऐसा होता है। तो बस इतना ही है। जो गोधन अर्क है ये एक बहुत ही एक पोटेंट एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो गौमूत्र से बनाया जाता है। इसका 10 से 20 ml आपको लेना है खाली पेट में, और उसको आपको पानी के साथ इसको डिसॉल्व करके लेना है। बहुत ही इफेक्टिव है, इवन ये एंटी कैंसरस है, कैंसर में भी इसके इस्तेमाल होते हैं, तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका आप सोच रहे हैं, शायद अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आप गोधन अर्क को सर्च करते हुए ही आप इस चैनल पर आए होंगे, तो ज़रूर आप इसको इस्तेमाल कर देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। और जो ट्रिक मैंने दिखाई भी गई, ट्रिक नहीं, याद रखिए ये एक साइंटिफिक एक रिजल्ट है, कुछ वेरिएशंस के वजह से ये ऐसा होता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।